हेलो एवरीवन, इस समय मैं यहाँ पर ऋषिकेश में राम झूला पर आया हुआ हूँ। वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहले तो सिर्फ सुनते थे कि लक्ष्मण झूला है, लेकिन अब यहाँ पर राम झूला भी बन गया है और सीता झूला भी है। ये राम झूला का दृश्य है, विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। तो जिस साइड में मैं खड़ा हूँ वो है शिवानंद आश्रम, और वहाँ से इस 450 फुट लंबे ब्रिज को मैं क्रॉस कर रहा हूँ धीरे धीरे। और नीचे देख रहे हैं गंगा नदी जो है वो पूरी तरह उफान पर है, क्योंकि पहले बाढ़ आ चुकी है, इसलिए बहुत ज़्यादा उफान पर है, कोई बोट वगैरह नहीं चल रही है। ये जो सामने का दृश्य आपको दिख रहा है ये शिवानंद आश्रम की तरफ से मैं फोटो ले रहा हूँ, और ये स्वर्गाश्रम का आपको लैंडस्केप दिखाई पड़ रहा है। सामने दूर से देखिए वो स्वर्गाश्रम का विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है। ये पूरा विहंगम दृश्य इस समय स्वर्गाश्रम की तरफ का दिखाई पड़ रहा है। अब 450 फुट लंबा राम झूला मैंने क्रॉस कर लिया और मैं पहुंच गया स्वर्गाश्रम की तरफ। ये देखिए इधर से, अब फिर दोबारा दृश्य देखिए ये राम झूला का। अब हमें शिवानंद आश्रम का व्यू दिखाई पड़ रहा है। ऋषिकेश में जो शिवानंद आश्रम है उस साइड का नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। चार सौ पचास फुट की दूरी तय करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इधर से बहुत ही सुंदर दृश्य आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। इस तरह ये हमारी 450 फुट लंबी यात्रा पूरी हुई और हम स्वर्गाश्रम की तरफ पहुंच गए। देख रहे हैं यहाँ पर घाट हैं बहुत सारे, स्वर्गाश्रम का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। ये देखिए तो मैंने ये कोशिश की है कि यहाँ पर शिवानंद आश्रम का साइड आपको दिखा दूं, और अब आप देखिए स्वर्गाश्रम का ये नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। कितना सुंदर विहंगम दृश्य है। यहाँ पर चोटी वाला का होटल भी है और नीचे नाव खड़ी है, लेकिन चल नहीं क्योंकि पानी बहुत फैला हुआ है। यदि अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। धन्यवाद।